Yeah, look. Yeah, look. Yes. Yeah, look. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि जो इसका डायरेक्टर है नितीश चंद्रा वो हमेशा से मेरा फेवरेट डायरेक्टर है. लास्ट ईयर हम लोगों ने कुछ 12 म्यूज़िक वीडियो किए थे साथ में. सो इस बार जो प्रोड्यूसर एड ऑन हुआ है वो नया प्रोड्यूसर है बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. टीम बहुत प्रोफेशनल थी और मुझे लगता है हम लोगों ने सिर्फ 6 आवर्स में पूरा सॉन्ग कम्प्लीट किया है. सो मुझे अच्छा लगा इन सबके साथ काम करके. और जी म्यूज़िक बैकअप कर रही है, हमको क्या करना चाहिए, एक बड़ी ब्रांड बैकअप करना कितना जरूरी होता है? जी म्यूज़िक के आने से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लग गया है क्योंकि पहले क्या होता था कि आप एक सॉन्ग बनाते थे फिर आपको म्यूज़िक कंपनीज़ के आगे पीछे घूमना पड़ता था. बट जब से जी म्यूज़िक कंपनी आ गई, टी सीरीज़, वीनस, इन सब कंपनीज़ की वजह से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है. बट एट द सेम टाइम पर आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए. सो मुझसे ज़्यादा ये आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग को मेरा गाना कैसा लगा है. लेकिन लोग आपको ज़्यादा सेंसुअल अवतार में देखना चाहते हैं, इसमें उतना सेंसुअल अवतार नहीं है, बहुत लिमिटेशंस में है, क्या कहना चाहेंगे? मैंने सोचा यार बहुत कर लिया, बहुत सेंसुअल कर लिया, बहुत सेंसुअस कर लिया, बहुत एक्सपोज कर लिया. अब मुझे कुछ स्टोरी बेस्ड काम करना चाहिए इसलिए इस गाने मैंने कोई एक्सपोज नहीं किया है. एंड स्पेशली ये मेरे डायरेक्टर की डिमांड थी कि मैं एक्सपोज नहीं करूँ. सो नहीं करवाया मुझसे. देखिए आज का मुबारक दिन, एक तो वैलेंटाइन डे है, सब आप सबको मुबारक दूँ वैलेंटाइन डे. जिनको जो प्यार मोहब्बत करते हैं उनको वैलेंटाइन डे मुबारक हो. और मन मर्जी क्या मन मेरी है एक रोमांटिक एल्बम है, एक रोमांस को आगे बढ़ाता है और हीरोइन की कहानी को आगे बढ़ाता है. और फिर क्या ट्विस्ट आता है ये इसमें मैंने देखा, बहुत ही अच्छा शूट किया गया. और गहना जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट हीरोइन है, ये लड़की वेस्टर्न में भी बहुत अच्छी लगती है, इंडियन कॉस्ट्यूम में भी अच्छी लगती है, पूरे कपड़ों में भी अच्छी लगती है और बिना कपड़ों के तो मतलब मॉडर्न अवतार में और अच्छी लगती है. मैं मतलब नहीं, मैं समझ रही इस मेरे अंदर इस वक्त दीपक कलाल आ गया है. हाय फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि लड़की बहुत अच्छी है, आगे चल के ये राखी को नो राखी नहीं रहना चाचा करो राखी को चाचा करो नहीं हाँ. राखी नहीं मतलब एक तरफ राखी तो एक तरफ ये हमारी गहना, मतलब जमीन आसमान का फर्क है. राखी आइटम सॉन्ग करती है, ज़बरदस्त बयान देती है. ये लड़की इतनी शांत है, इसकी जो खामोशियाँ हैं, खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, ये जो लाइन है इसके लिए बनी है. ये खामोश भी रहती है तो उसका चेहरा बहुत कुछ कहता है, इनकी आंखें बहुत कहती है. और मुझे मैं यही कहना चाहूँगा, इनका जो नाम है गहना, माँ बाप ने सोच समझ के रखा है. लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा शिकायत रहती है, ये लड़की हमेशा हट के कुछ करती है. हर लड़की से, हिंदुस्तान की सारी लड़कियों से हट के क्यों है, इसका राखी से भी मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? अब मैं बता रहा हूँ, ना राखी से मुकाबला हो सकता है, ना माधुरी दीक्षित से, ना ऐश्वर्या राय से, ना आलिया भट्ट से. क्यों? क्योंकि बाकी की लड़कियाँ SRK को पसंद करती है, ये KRK को पसंद करती है. अच्छा, सबको सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइंस डे. आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सच्चा वाला और बहुत अच्छा वाला, पैशनेट वाला प्यार आ जाए. अभी फ़िलहाल तो मैं सिंगल हूँ, मैं खुद भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हूँ, मुझे बहुत जल्दी एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड मिल जाए. तो राइट तो देखो. मिस हो गए अब तो, मिस हो गए. तो अब तुम राइट हमेशा गलत जगह देखती हो, राइट देखा करो. ठीक है, हाँ वीक बॉस. लेकिन ये फिल्म जो है वीक बॉस जो है वो अप्रैल में आ रही है. और लेकिन इसका जिक्र मत कीजिए, हम लोग यहाँ पर मन मेरी के लिए है. बार बार ये मत बोली कि वीक बॉस कब आ रही है, अप्रैल में आ रही है, कब आ रही है वीक बॉस, जो वीक पहने वाली कहानी है. तो इसका रिपीट हम हर शो में उसका प्रमोशन नहीं करेंगे, फिलहाल हम मन मेरी के लिए आएंगे. ऑन सेट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि पहली बार कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि गहना कपड़े मत उतारना. क्योंकि हर बार ये होता है कि जब मेरे बारे में बात की जाती है व्हेन इट कम्स टू गहना वशिष्ठ, तो लोगों के दिमाग में एक फिक्स चीज़ें होती हैं कि यार छोटे कपड़े पहनाने, बिकनी करवानी है, एक दो स्मूथ सीन्स रहेंगे तो गाना हिट हो जाएगा. सो फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जहाँ पर मुझसे कोई एक्सपोज नहीं कराया गया, प्रॉपर प्रोफेशनली काम किया गया और फुल कपड़ों में आप मुझे देख रहे हैं पहली बार, तो मैं खुश हूँ.
हाँ मतलब दुल्हन के गेटअप में भी आप गहना को देख सकते हैं। अगर आपको इस आप लोगों को सपनों की अपने अपने सपनों की दुल्हन देखनी है तो ये ज़रूर देखेगा वीडियो मन मेरी है, इसमें आपके सपनों की दुल्हन गहना आपको दिखेगी, पूरा गहना पहने हुए पहली बार गहने ने खुद गहना पहना है, ये समझ लीजिए आप बहुत ही सुंदर। आज रात को ये इसका रिव्यू देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा? इस गाने का रिव्यू तो आपको मिल जाएगा, बट मैं सबसे चाहूँगी, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस गाने को शेयर करें, क्योंकि बिना मीडिया के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और एक किसी भी चीज़ को अगर आगे तक पहुँचाना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है मीडिया। सो प्लीज़ आप लोग मेरा गाना शेयर करिए, इसके लिंक शेयर करिए, इसके वीडियो शेयर करिए, पर्सनल लेवल पे करिए, मैं नहीं कहूँगी कि प्रोफेशनली करिए, आप दुनिया के लिए मीडिया होंगे, मेरे लिए फैमिली जैसे, क्योंकि आज मैं जहाँ भी हूँ, चाहे मेरी पहली न्यूज़ से हो टिल नाउ, मैं सिर्फ मीडिया की वजह से हूँ। कई लोग मुझे गूगल किड कहते हैं कि मुझे गूगल ने पैदा किया है, एंड उसका सारा सारा जो श्रेय आप सबको जाता है। आज रिलीज है, हाँ आज मेरा एक और सॉन्ग रिलीज है जो वीनस रिलीज कर रहा है। सॉन्ग का टाइटल है पल पल, जो कि 6 o'clock तक यूट्यूब पे वीनस के चैनल पे आ जाएगा। रतन जैन ने भी अपने इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह सब जगह शेयर किया है। सो आज वैलेंटाइंस डे पे मेरे दो दो सॉन्ग रिलीज हैं, इससे मैं और ज़्यादा खुश हूँ, बट मेरे एक ही प्रोड्यूसर ने इवेंट किया इसलिए एक ही इवेंट हो पाया। ओके, लेकिन इसके अलावा कोई फिल्म है अगर? अभी मैंने एक और फिल्म की है नवीन बत्रा की, अभी रिसेंट एक और फिल्म की है, और मैंने अभी दीपक पांडे की एक वेब सीरीज़ की है जिसमें मैं और विवान भतेना और अमित बहल हैं, जो कि उल्लू पे बहुत जल्दी आ जाएगी, और हम लोगों ने अभी मंडे को एक और सॉन्ग शूट किया है जो विद इन अ मंथ जी म्यूज़िक पर रिलीज़ हो जाएगा। ऐसा एवरेज लुकिंग हो, ज़्यादा गुड लुकिंग लड़के कहीं भी भाग जाते हैं, सो मुझे ज़्यादा गुड लुकिंग लड़का नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए ना, एवरेज चाहिए, थैंक गॉड। और बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं हो, ज़्यादा रिच होगा तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं उससे कम उसके पैसे से ज़्यादा प्यार करती हूँ। तीसरा पढ़ा लिखा हो, मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनके पास दिमाग, एवरेज पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नहीं नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा चाहिए। यहाँ मार खा गया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मेरी ना ऐसे चेंज होती रहती है। हाँ विग, विग वाला तो दौड़ेगा मुझे। अच्छा हाँ, इसीलिए कहते हैं विग बॉस। ओके थैंक यू गाइस। मैं एक शेयर करूँगा, शेयर करना चाहूँगा गहना की सुंदरता पे, कि बहुत ही सुंदर लड़की गहना है, बहुत ही सुंदर लड़की गहना है, जो इसका एल्बम नहीं देखेगा ये उसकी बहना है। सारी उम्र तुम्हें संग रहना है और एज ए सिस्टर तुम्हें सहना है, इसलिए अगर आपको आप एल्बम देखेंगे तो खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। मीडिया प्लीज शेयर करिएगा। सर ये आइडिया इमरान सर का था, और ये हमारे सॉन्ग के राइटर कंपोज़र डायरेक्ट म्यूज़िक डायरेक्टर हम सब यही हमारे, और पूरा ये आइडिया और थीम स्टोरी लाइन इन्होंने लिखा था, और कास्ट एक्टर जो अभी हमारे साथ नहीं, हमारे एक्टर नवनीत वो गहना, तो ये सब आइडिया इन्हीं का था। सर क्या थॉट प्रोसेस था ये गाने को क्रिएट करने के पीछे, क्योंकि मेन क्रिएटर जैसे सर ने कहा आप ही हो, तो थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि क्या थॉट प्रोसेस था ये गाने के पीछे। देखिए अगर मैं म्यूज़िक वीडियो को अगर एग्जाम्पल लेके चलूँ, फिल्म का एक अपना फॉर्मेट रहता है, लेकिन ख़ासकर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमारे दोस्त सुबीर दास एक फिल्म के बड़ी हस्ती हैं, फिल्म को जानते हैं और साउंड को, तो साउंड के ज़रिए कहानी कहना एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग वर्क थी, लेकिन साथ साथ जब आप कोई सब्जेक्ट म्यूज़िकली सोचते हो तो उसको स्क्रीन पे उतारने का काम कहीं ना कहीं डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का होता है, तो मैं अपने दोस्त नितीश चंद्रा जो अभी हाल ही फ़िलहाल एक महीने पहले एक फ़िल्म आई थी फ़लसफ़ा, जिसके DOP और एडिटर रहे हैं, और एज अ डायरेक्टर भी कई फिल्म उनकी प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं जी और अदर टी सीरीज़ के थ्रू, तो कहीं ना कहीं इस कहानी को म्यूज़िक तो अपना था ही, लेकिन हमने जब डायरेक्शन की तो कहने का उस सोच को पर्दे पे एक फ़िल्म के फॉर्मेट पे उतारना बहुत ही एक मुश्किल था, लेकिन कहीं ना कहीं टीम अच्छी रही तो
हम लोगों ने ये कहानी कही और लोगों को उम्मीद है पसंद आएगी। गहना किसकी चॉइस थी? गहना हमारे नीतीश चंद्रा हमारे दोस्त हैं और ये हमारी पूरी दोस्त की टीम है, तो कहीं ना कहीं गहना हमारे कलीग्स में है और हमारे दोस्तों के ग्रुप में है, तो ये कास्ट समझिए कि ये फैमिली सबका कलेक्टिव डिसीजन था कि ये सब ने किसी भी इंडिविजुअल विद द थीम ऑफ द सॉन्ग और दूसरी आपने एक और चीज़ बात कही थी कि इन्होंने कि आखिर गहना अब तक कम कपड़ों में नजर आया और अभी एक्सपोज बात, देखिए एक्सपोज की बात नहीं है, एक क्या होता है ना कि आज बड़ा मुआशरा कहीं ना कहीं अजीब तरह से सिनेमा होता जा रहा है, तो एक गाने के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि जो डेट हमारा 14 फेब था ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल डेट है और लव का कोई एज फैक्टर नहीं है, तो हम लोग चाह रहे थे कि एक ऐसा वीडियो हो जो पूरा सामाजिक और सोशल हो, वेस्टर्न हो लेकिन देखने लायक हो, तो जिस तरह से साउंड और वीडियो का हम लोगों ने किया तो इस तरह का था कि ताकि साफ सुथरा हो, क्लीन हो और मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगी ये। सर आपसे जानना चाहूँगा, जी का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, करेक्ट, कितने खुश हैं आप इस चीज़ को लेकर और कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में और कैसा कोलैबोरेशन रहा? आई एम वेरी मच थैंकफुल टू जी बिकॉज सी कमिंग अप जी एज ए प्रोड्यूसर फॉर विद अस एंड वी आर टाइंग विद द जी, so it gives us a very vast platform to launch Manan, which will be a great feat for us, so we are very much thankful to Zee. And finally jab project Manan hamare paas aaye the ki he was a singer, he was very genuine kind of singing, what he was singing sufi song gharane se seekh rahe the us samay, to main kafi lambe samay se Manan ko janta hu, to wo hamare paas aaye to humse raha nahi gaya ki is bacche ko kisi jagah mukam mein pahunchaya jaye, so इन बिटवीन जी कम एज ए कोलेबोरेशन विद इमरान भाई के पहचान से काफ़ी थे उनके मित्र वहाँ, सो वी अप्रोच देम, दे लाइक्ड इट वेरी मच एंड दे अप्रिशिएटेड द वीडियो, उन्होंने बोला कि ये तो एकदम पूरा फिल्म स्टैंडर्ड का बना हुआ है, जो हमारा सोच था कि गाने को हम किसी तरीके से ऐसा ढालें कि पूरे फॉर्म में आ जाए, कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जस्ट लाइक म्यूजिक वीडियो, इट शुड बी अ फिल्म एज पर से, सो और मनन का सिंगिंग भी काफ़ी अच्छा जाता है इस फिल्म के साथ, सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू जी इमरान भाई एंड ऑल्सो मनन एंड आई ऑल्सो लाइक टू थैंक गहना एज वेल एंड नीतीश जिन्होंने सब कुछ को हमारे साथ में कोलैबोरेशन करके एक साथ हमने काम किया। सर जाते जाते अगर ये गाने की दो लाइनें गुनगुना दे हमारी। जी बिल्कुल। मैं भी तन्हा रोता हूँ वो भी तन्हा रोती होगी, मंजिले यहाँ भी नहीं मंजिले वहाँ भी नहीं, लौट आ मन मेरिए मेरे नैन पुकारे, मन मेरिए मेरे नैन पुकारे। सर ये गाना तो देखने से ही लगता है कि हिट होने वाला है, अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है, कौन से फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अगर हमारी ऑडियंस को आप? अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हम लोगों के, एक तो मनन के साथ ही मैं एक बचपन कर रहा हूँ, क्योंकि बचपन का किस्सा ऐसा है कि हर शख्स से जुड़ा होता है, और तो ये बचपन बहुत जल्दी आ रहा है। बचपन गाना हमारे दोनों के दिल के बड़े करीब है, सर का बहुत अच्छा प्यारा सा कॉम्पोजिशन है और सर ने काफ़ी अच्छा म्यूज़िक दिया है, ऑलमोस्ट टूवर्ड्स कम्प्लीशन है वो सॉन्ग एंड होपफुली जल्दी आ जाएगा वो। बहुत बहुत शुक्रिया। बताओ किसकी तारीफ करनी? नहीं आज भले काफ़ी लोगों को सिनेमा नज़र आया ये गाना नहीं, सुबीर भाई बहुत इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, दैट सॉन्ग इज लुकिंग लाइक अ सिनेमा, पीपल आर लाइकिंग इट, हाँ इट इज़ वेरी मच पॉजिटिव फैक्टर और सब ऑर्गेनिक है देखा जाए तो। एक चेयर मंगवा लो, एक और चेयर बोल दो ना आ जाएगा उनको बोलो ना और सामने है ना मैं इंट्रोड्यूस कर दूं सबको, चलिए मेरी साइड से सबका इंट्रोडक्शन। ये हमारे प्रोड्यूसर हैं और सिंगर मननवीर सिंह इनका नाम है, मैं गहना वशिष्ठ इस सॉन्ग में अभिनेत्री हूँ एक्ट्रेस हूँ,
नीतीश चंद्रा ये हमारे सॉन्ग के डायरेक्टर एडिटर और डीओपी हैं। उन्होंने ही गाने को डायरेक्ट किया। थोड़ा सा करेक्शन है, डायरेक्टर एक्चुअली मेरे बड़े भाई इमरान खान ने किया है। बट हम लोग आई हैव बीन वर्किंग एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर। इट्स अ टीम प्रोजेक्ट दैट वी आर डूइंग ऑल टुगेदर। यस, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा टीम वर्क है, टीम वर्क से इतना अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता है। सर आप एज अ डीओपी मतलब जो सामने ऑडियंस के सामने लाना होता है काफ़ी मुश्किल होता है। डायरेक्शन तो डायरेक्टर तो डायरेक्शन कर देते हैं लेकिन खुद को अपनी क्रिएटिविटी डालनी पड़ती है। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। देखो चैलेंजिंग ये हर एक गाना एक चैलेंजिंग ही होता है। ये गाना खासकर चैलेंजिंग था क्योंकि हमारे पास टाइम का बहुत इशू था, मतलब टाइम नहीं था, बहुत कम टाइम में हमें करना होता है। तो लाइक वी शॉट इन लोनावला एंड हमारे पास सिर्फ एक दिन था, सिर्फ एक ही दिन था, एक दिन में हमें पूरा गाना करना था, जिसमें बहुत सारे चेंजेस भी थे। और शूट करते करते एक टाइम पे वो हुआ कि रात हो गई, तो वो जो बोन फायर का आपको आइडिया दिख रहा है वो सडनली इमरान का आइडिया था कि बहुत टाइम से बोन फायर वगैरह हमने नहीं देखा है गाने में, वो रोमांटिक फील नहीं है। सो रात भी हो गई है तो बोन फायर से लाइट भी मिल जाएगी मुझे, तो बोन फायर का सिक्वेंस करते हैं। तो टफ होता है, देखो हर एक गाना टफ होता है। How was the experience working with Gaina? Gaina, like it's our 12th. 15th. Yeah, 15th. This is my 15th song with Gaina. She's a boon to our song actually. Yeah, yeah. Like, she's the actress like anyone wants to work with her. Koi tantrum nahi hai, koi nakhre nahi hai, stardom wale. bahut jaldi ye pick karti hai. Jo agar if you tell her to do anything, she'll do it quickly. Always. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे नीतीश का शाम को फ़ोन आया कि गहना हम लोगों को दो दिन के बाद एक सॉन्ग शूट करना है लोनावला में। सो मैंने कहा यार मुझे ना सॉन्ग भेजो, क्योंकि ही सेट कि न्यू सिंगर है, न्यू सेटअप है, करोगी? तो मैंने कहा मुझे सॉन्ग भेजो। एंड जब मैंने सॉन्ग सुना मुझे बहुत मज़ा आया, ऑनेस्टली मुझे सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। एंड गाना शूट होने के पहले तक मुझे गाना याद हो गया था, जबकि मेरी लिप सिंग नहीं थी, मुझे इतना मज़ा आया। पर नीतीश सेट कि यार ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है। एंड पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी डायरेक्टर ने मुझे कपड़े नहीं उतरवाए। ऐसा पहली बार हुआ कि यार गहना तुम्हें पूरे कपड़े पहनने हैं। तो मैंने कहा यार तूने पक्के से मुझे कॉल किया है? देन ही सेड हाँ गहना, इस बार हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। सो लहंगा रहेगा, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा। मैंने स्टोरी सुना मुझे, तो नीतीश ने मुझे स्टोरी सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि क्या होता है, जब सिंगल की बात आती है तो सिर्फ सिंगल दो टाइप के हिट होते हैं, आइदर वो रोमांटिक और स्लो हो या फिर वो पार्टी नंबर हो, तीसरा कोई जोन होता नहीं है। और चूँकि नई टीम थी, नए लोग थे, सो पहला सॉन्ग स्लो मोशन में एक बहुत अच्छा आइडिया था। सो मैंने नीतीश को कहा चलो डन। एंड जब यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है कि डायरेक्टर वो है, ये है, ये मुझे नहीं पता था टिल नाउ, अभी ऑल ऑफ सडन पता चला है। क्योंकि क्या होता है, एक प्रोजेक्ट में एक ही डायरेक्टर होता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? जो भी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही मनी करने का कि आई डोंट वॉन्ट कि यहाँ भी हो। फॉर मी नीतीश चंद्रा वॉज द डायरेक्टर, नीतीश चंद्रा इज द डायरेक्टर, नीतीश चंद्रा विल बी द डायरेक्टर फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंड एट द सेम टाइम पे ही वॉज द डी ओ पी, ही हिमसेल्फ हैज एडिटेड द एंटायर थिंग्स। एंड अभी ऑल ऑफ सडन जी का फ़ोन आ गया कि कुछ करप्ट हो गई है फाइल, सो वो खुद गया। अगर कोई और डायरेक्टर होता तो उसे पता होता कि प्रोजेक्ट क्या है, पर जब मेरे सामने हर चीज़ मुझे दिख रही है, सो फॉर मी ही इज़ द डायरेक्टर। किसी और के क्रेडिट लेने से चीज़ें नहीं होती। देखिए गहना, जब मैं आप इंटरप्ट कर दूंगा मीडिया के सामने, चूँकि आप बहुत नेगेटिव बोल रही हैं। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, चूँकि डी ओ पी जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, शायद आपने बहुत इनके साथ काम किया होगा, हमने भी इनके साथ बहुत काम किया, और शायद आपको नहीं पता है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, शायद आपको सोचना पड़ेगा उस कम्युनिटी से निकलने के लिए। और डायरेक्शन की बात कर रहे हो कि मैं अपनी कोई बड़ा है, आज सुबीर दास हमारे साथ में, जिनमें अगर गूगल पे सुबीर दास कर दिया है तो 250-300 फिल्मों के मिक्सिंग के सिनेमा का कहने के लिए, और जहां आपको एज ए मॉडल लिया गया, ना कि आपको दो दिन पहले अगर आपको बुलाया गया तो एज ए आर्टिस्ट बुलाया गया, ना ताकि आपको इंटरफेयर के गाना कैसे बनेगा गाने के बारे। मैं एक ऐसा शख्स हूं, मैं अपने पास बड़ाई नहीं करना चाहता हूं इमरान भाई, जैसे नहीं, आई जस्ट वांट टू, ऑफ कोर्स आई मेक इट अ शॉर्ट क्लियर बिकॉज़ आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग बिकॉज शी इज नॉट क्लियर। दो दिन पहले ये आती हैं प्रोजेक्ट के बारे में और बना देती हैं कि ये, अरे दो दिन पहले तो आप आई हैं, मॉडल्स तो हम 50 ले सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स नीतीश इज माय वेरी गुड फ्रेंड, सो ही
मतलब ही चोजन एज अ गहना एज एन एक्टर, इनका एक अपना स्टाइल है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चाहते थे कि गहना को एक अलग तरीके से हम उनको दिखाने की कोशिश करें। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने एक और फिल्म एक और गाने किया सिर्फ ड्यू टू नितीश, और ये भी जानते हैं कि हमारी म्यूजिक की दुकान, बट आई वॉज नॉट द डायरेक्टर ऑफ द माई नेक्स्ट सॉन्ग। लेट मी इंटरफेयर, लेट मी इंटरफेयर। दो दिन पहले ये एज एन आर्टिस्ट आ सकती, इनके लिए 50 में आर्टिस्ट ला सकता हूँ, लेकिन आई बिलीव इन माई डीओपी एज अ ब्रदर एज माई फ्रेंड। के आज मेरी अगर सोच है, अगर म्यूजिकली साउंड से लेके एक एक चीज में इनको सुनाता हूँ, चूंकि आज हम मैं अपनी अगर कोई म्यूजिक बनाता हूँ या कोई कहानी कहने वाला था, तो मुझे मालूम है कि एक डायरेक्टर और डीओपी की क्या अहमियत होती है। और एज ए जामिया स्टूडेंट आई वाज आल्सो टीचिंग देयर कि कोई हम पे दाग नहीं लगा सकता है आज। और आज नवनीत जो 8 साल से थिएटर कर रहा है और आज कई फिल्में कर चुके हैं, और आई वॉज ऑल्सो ही इज ऑल्सो माई स्टूडेंट, तो शी डजंट नो के मैंने कितने स्टूडेंट्स पैदा कर दिए हैं। लेकिन मैं कभी प्राउड नहीं रखता हूँ, मैं प्रोडक्ट में और टीम में विश्वास रखता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज नॉट हियर, गिरीस सैकिया, जो कभी मीडिया से बात नहीं करते, लेकिन आज उनके जी और तीसरी से कितने एल्बम हैं। तो मैं टीम में विश्वास रखता हूँ। अगर आप 2 दिन पहले आए तो दैट इज योर प्रॉब्लम। इफ यू वॉन्ट डोंट वॉन्ट टू वर्क विथ मी डोंट वर्क, तो why are you creating the problems? I'm not creating the problems. You are just a little bit of a confusion. ही था and director वही है। अचानक से एक दिन पहले pressure डाल के media के सामने तमाशा करके कि मैं ये हूँ। नहीं, you can ask to DOP. You are nothing. Don't create the problems. You are nothing. Don't create the problem. Anyway, there is nothing else here. It was just a mix-up. We are not selling that. We are not here to sell the controversy. मत बोल, अभी देखिए, अभी she is saying कि मैं 2 दिन पहले आई, जो 2 दिन पहले आए वो क्या जाने, और ये हमारा प्रोजेक्ट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस दैट वी आर सेइंग, इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ कंफ्यूजन, शी इज कमिंग विद इन 2 डेज। बात की बात नहीं है ना, कुछ भी पूछने से पहले बिफोर आई आस्क एनीथिंग अबाउट द एल्बम, द वेरी फर्स्ट थिंग कम्स इन माय हेड इज, डू यू थिंक नेपोटिज्म एग्जिस्ट? यस, इट इज। क्योंकि रीजन क्या होता है, आज अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे भी इंजीनियर हों, डॉक्टर चाहता है उसके बच्चे डॉक्टर हों, और जो डॉक्टर पढ़ाई के लिए 6 साल 7 साल 10 साल बर्बाद करते हैं, सो नेपोटिज्म तो है बट सम हाउ सही भी है। क्या आप मानती हैं कि कंगना ने एक नया बदलाव लाया है? आई ऑनेस्टली लव हा। मैं आज सुबह उसका एक वीडियो देख रही थी। अच्छा, एक सेकेंड ना, सॉरी। हाँ, थैंक यू वीरेंद्र जी, कंगना के बारे में क्या कह रहे हैं? आई ऑनेस्टली लव हा। मैं आज सुबह एक वीडियो देख रही थी कंगना का, कि जहाँ पे क्रिश ने ये क्लेम किया है कि कंगना ने उनका डायरेक्शन छीना है। सो कंगना सेट कि उसको 2 फिल्में बीच में ऑफर हुई एंड दोनों फिल्में उसने छोड़ दी, जिनके चार्जेस थे 10 सिया 10 सिया। जस्ट इमेजिन, एक लड़की ने अपने 2 साल दिए, टाइम दिया एक्टिंग में, डायरेक्शन में, एंड एट द सेम टाइम पे जो क्रिश क्लेम कर रहे हैं कि वो उनकी फिल्म थी, बीच में उन्होंने क्रिश की एक फिल्म देखी NBK, जो कि NTR की फिल्म थी। सो अगर उन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है तो तेलुगू की वो दूसरी फिल्म कैसे कर सकते थे एट द सेम टाइम पे? एंड वो भी वो छोटी फिल्म नहीं थी, बड़ी बजट फिल्म है, उसमें बालकृष्णा है, आपके विद्या बालन है, तो ये झूठ है। और अगर उन्होंने सच पे डायरेक्शन किया था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं क्लेम किया जब फिल्म रिलीज़ हो गई, जब लोगों ने अटेंशन देनी शुरू कर दी एंड उनको रियलाइज़ हुआ कि लोग उनको नहीं देख रहे हैं, लोग उनको नहीं पूछ रहे हैं, तो ये तो पॉलिटिक्स से बॉस। ओके, गहना, एल्बम के बारे में जानना चाहूँगा, नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, मन मेरे को सुनने लगा मनमर्जी तो नहीं है? नहीं, इट्स मन मेरी है। जाना चाहूँगा, और वैलेंटाइन डे के दिन, आज वैलेंटाइंस डे को मेरे 2 म्यूज़िक वीडियोज़ रिलीज़ हुए हैं, एक मन मेरी है जो जी म्यूज़िक ने रिलीज़ किया है, और एक मेरा पल रिलीज़ हुआ है जो कि वीनस ने रिलीज़ किया है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके 2 रीज़न हैं, एक तो 2 सॉन्ग एक दिन रिलीज़ हों, इससे बड़ा क्या है, एंड सेकेंड चीज़ आज वैलेंटाइंस डे है, आज प्यार का दिन होता है, और मेरे दोनों गाने एकदम रोमांटिक नंबर्स हैं, तो मैं तो एकदम cloud 9 में हूँ। आज मुझे कोई पूछे कि मेरे पंख कहाँ हैं तो शायद मेरे पंख भी ऊपर उड़ रहे हैं, मैं भी उड़ रही हूँ। ओके, गहना, और क्या क्या प्लान कर रहे हैं, व्हाट नेक्स्ट?
फ़िलहाल मैंने रिसेंटली एक फ़िल्म की है नवीन बत्रा की, मैंने उसमें लीड किया हुआ है, और एक वेब सीरीज़ की है दीपक पांडे की उल्लू ऐप के लिए, जिसमें मैं विवान भतीना के साथ हूँ और अमित बहल के साथ, और पार्ट टाइम में आप मुझे फिल्म रिव्यू करते देख ही लेते हैं KRK के चैनल में। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं एक दोस्तों मेरी आप सबसे एक ही दरख्वास्त है, प्लीज़ मेरे सॉन्ग को लाइक करिए, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ शेयर करिए, आप मीडिया पर्सन की तरह मत करिए, एज अ फैमिली ट्रीट करिए, हम लोग आउटसाइडर्स हैं, हम लोग को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू। थैंक यू।